यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स किस चैप्टर में है आपका? मेडिसिनल केमिस्ट्री में। एंटीबायोटिक्स आप कहाँ पढ़ेंगे? मेडिसिनल केमिस्ट्री में। अब इस एंटीबायोटिक्स में हमने चार कैटेगरीज बताई थी, जिसमें हमने एक कैटेगरीज क्या बताई थी? क्लोरम फेनिकॉल्स। क्लोरम फेनिकॉल्स अब इस हम देखेंगे व्हाट इज क्लोरम फेनिकॉल्स। क्लोरम फेनिकॉल्स होता क्या है तो इसमें देखेंगे। इसमें आप लिखेंगे इट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिटीज। इट इज स्पेशली यूज्ड फ्रॉम ट्रीटमेंट ऑफ, किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ टाइफस एंड टाइफाइड फीवर। अब हम इसकी क्या देखेंगे? सेंसिस, कि आप इसको सेंसाइज कैसे करते हैं। तो सेंसिस हम देख लेते हैं। सेंसिस में हमें देखेंगे कि सबसे पहले सेंसिस आप किस टाइप से करेंगे। जैसे पैरा नाइट्रो एसिटोफिलिन, सबसे पहले इसको सेंसाइज करने के लिए आपको क्या लेना होगा? पैरा नाइट्रो एसिटोफिलिन। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक किसका स्ट्रक्चर से, एसिटोफिनोन का। इसकी पैरा पोजीशन पे क्या लगा दीजिए? एन ओ टू ग्रुप। तो क्या बन जाएगा? पैरा नाइट्रो एसिटोफिनोन। लिख लीजिए यहाँ पे पैरा नाइट्रो एसिटोफिनोन। अब इसकी रिएक्शन आप क्या करेंगे? ब्रोमिनेशन इसका कराएंगे। बी आर टू के साथ क्या कराएंगे? ब्रोमिनेशन कराएंगे। अब आपको यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं करना है नाइट्रो ग्रुप में। जो भी रिएक्शन होगी कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। तो आप चेंजिंग कहाँ पे करेंगे? सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से क्या हो जाएगा? सी एस टू बी आर। तो प्रोडक्ट क्या बना? पैरा नाइट्रो, यहाँ पे क्या लगाइए? एन ओ टू ग्रुप। पैरा नाइट्रो नासिल ब्रोमाइड। अब हम क्या करेंगे? जो भी आपका प्रोडक्ट बना हुआ है इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? इसकी रिएक्शन आप कराएंगे सी एस टू सिक्स और एन फोर के साथ। ये क्या होगा? हेक्सा एमीन टेट्राएमीन होगा। और दूसरा क्या होगा? दूसरा ऑक्सीजन कौन सा लेंगे इसके साथ? एच सी एल लेंगे और सी टू एच फाइव ओ एच लेंगे। अब देखेंगे अगले स्टेप में प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगले स्टेप में प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पे हम लिख रहे हैं यहीं पे आपको चेंजिंग करना है। क्या हो जाएगा? सी एच टू एन एच टू हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगा देना है? एन ओ टू लगा देना है। अब इसका आप क्या कराएंगे? स्टाइलेशन कराते हैं। तो
एसिटाइलेशन के लिए हमने बताया था आपको CH3CO2O, जब आप पैरासीटामॉल और एस्पिरिन बना रहे थे, एसिटाइलेशन के लिए आपको एस्टिक एनहाइड्राइड यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका एसिटाइलेशन। जब भी आप एसिटाइलेशन करेंगे तो आपको अगला प्रोडक्ट जो मिलेगा कुछ इस टाइप से मिलेगा। यहाँ पे आप लिख लीजिए CH2NHCUCH3 और यहाँ पे क्या लगाइए NO2। ये बन गया पैरा नाइट्रो एसिटामाइड एसीटोन। ये क्या बना है आपका पैरा नाइट्रो एसिटामाइड और इसका नाम क्या होगा एसीटोफिनोन। पैरा नाइट्रो एसिटामाइड एंड एसीटोफिनोन। अब क्या करेंगे हम, किसके साथ इसकी रिएक्शंस कराएंगे? HCHO के साथ कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड, और दूसरा क्या लेंगे Na2CO3 लेंगे। तो देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है। तो देखते हैं प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे हम नोट डाउन करते हैं, सारा चेंजिंग आपको इसी ग्रुप के साथ करना है। पैरा वाला जो ग्रुप है उसके साथ आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। यहाँ पे क्या होगा CH2OH आपके सेकेंड सेमेस्टर के लिए, ये जो सेंसी से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे NO2 आप ऐसे लगा दीजिए, हाइड्रोक्सी मिथाइल डेरिवेटिव्स बन गया, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल डेरिवेटिव्स। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे यहाँ पे आप देखिएगा, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड से कराएंगे, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड से कराएंगे। तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाइड का फार्मूला देख लीजिए, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं। CH3 है, CHO है, इसलिए क्या करेंगे 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे और एयर। ए हो गया एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का फार्मूला। किसी को कोई दिक्कत होगी तो वहाँ पे हमें कमेंट करेंगे और टॉपिक हम आपको बता देंगे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगली रिएक्शंस कुछ इस टाइप से होगी। यहाँ पे आप NO2 लिख दीजिए, उसके बाद क्या होगा CH2H और CH, यहाँ पे क्या रहेगा NHCOCH3 और यहाँ पे जैसे ही आपका C2OH था वही फॉर्म रहेगा। ये क्या होगा आपका DL फॉर्म अथवा यानी DL मिक्सचर जो आप लिखते हैं ना, D फॉर्म में होगा और L फॉर्म में होगा, DL फॉर्म में होगा। अब इसका क्या कराना है आगे आपको, हाइड्रोलिसिस कराना है। HCl के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या यहाँ से निकलेगा CH3COCl। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। प्रोडक्ट हम यहाँ पे बना देते हैं, कोई बात नहीं। NO2 ग्रुप यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, CH OH हाइड्रोलिसिस कराएंगे आप तो यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगी और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा NH2 हो जाएगा और ACH2OH वैसे ही रहेगा और यहाँ पे क्या लगा है NO2 ग्रुप लगा है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, रिजोल्यूशन विथ
डी कैम्फरिक एसिड। डिजोल्यूशन विद डी कैम्फरिक एसिड। और दूसरा क्या लेंगे, पहला स्टेप ही हो गया, दूसरा स्टेप क्या लेंगे, Cl2CHCOOCH3 यानी डाई क्लोरो मेथाइल एसीटेट। एडिशन ऑफ साइड चेन यानी जो भी एडिशन होगी सारी की सारी रिएक्शन किसके होगी, साइड चेन में होगी। आप NO2 ग्रुप को कभी भी नहीं हटाएंगे, पूरे रिएक्शंस में आप उसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे। तो जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस टाइप से मिलेगा। यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखते हैं, इसी यहाँ पे क्या है, H है, OH है, CH है, NH, CO, CH, Cl2। और यहाँ से क्या जुड़ा था, CH2OH। और यहाँ पे क्या जुड़ा था, NO2 ग्रुप। तो यही स्ट्रक्चर्स क्या है, क्लोरम फेनिकॉल। दिस इज द सेंसेस ऑफ क्लोरम फेनिकॉल। इसका यूज कहाँ करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। जब भी आपको क्या है, टाइफाइड फीवर हुआ हो, यूजेज हम देख लेते हैं यहाँ पे। यूजेस सबसे बेस्ट जो यूजेज है कहाँ पे करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में क्या दे सकते हैं, क्लोरम फेनिकॉल एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। और कितना देंगे डोज, डोज की अगर हम बात करें तो 500 mg एवरी 6 hours फॉर एडल्ट। एडल्ट के लिए क्या करेंगे, हर 6 घंटे पे 500 mg की टेबलेट्स दे सकते हैं क्लोरम फेनिकॉल्स की। तो दिस इज दी सेंसिस ऑफ क्लोरम फेनिकॉल्स। आपने देखा कि कैसे इसको सेंसाइज करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लेना है, पैरा नाइट्रो एसीटोफिनोन लेना है और उसका क्या कराना है, ब्रोमिनेशन कराना है। तो सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2Br में, यानी पैरा नाइट्रो एसाइल ब्रोमाइड्स में। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, हेक्सायमीन टेट्राएमीन से कराएंगे, CH2 6N4 से कराएंगे, या Cl और C2H5OH के साथ। अगर कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको बता देंगे। तो अगला प्रोडक्ट जो बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। अब इसका स्टाइलेशन कराएंगे तो CH2 C डबल बॉन्ड CH2 NH CO CH3 यानी पैरा एसीटामाइड एसीटोफिनोन बनेगा। अगला जो सेंसेस कराएंगे, फॉर्मल्डिहाइड और ICOCNO2CO2 के प्रेजेंस में कराएंगे तो हेक्सामेथाइल का डेरिवेटिव्स बनेगा। इसका एल्यूमिनियम प्रोपॉक्साइड Al आइसोप्रोपॉक्साइड हम लिखे हैं यहाँ पे, और CH3 2 CHO 3 Al यही होगा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का फार्मूला। जब आप कराएंगे तो आपको FDL फार्म मिलेगा, एक प्रोडक्ट जो मिल रहा है। इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे CH3COOL के प्रेजेंस में तो आपको ए प्रोडक्ट मिलेगा DL फार्म का। इसका आप रिजोल्यूशन कराएंगे डीकैम्फ्रिक एसिड Cl2CH3 में तो आपका क्या मिलेगा, क्लोराम फेनिकॉल्स मिलेगा। इस एंटीबायोटिक्स का यूज जो आप करते हैं टाइफाइड फीवर के लिए करते हैं। इट आल्सो गिवन एक्यूट इन्फॉर्मेशन ड्यू टू हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजे इंक्लूड मेंजेंटाइटिस। तो डोज की अगर हम बात करें तो हर 6 घंटे पे आप 500 mg की टेबलेट क्लोराम फेनिकॉल्स के दे सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगले सेंसेस के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।